रहन साथियों, देखते हैं रीजनिंग नंबर एनालॉजी का प्रश्न दिया है हमें। 46 का जो संबंध 93 के साथ में है, 58 का जो 117 के साथ में है, सेम भाई 38 और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होने वाला है। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है, उसका सॉल्यूशन देखना है। हम प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, 46 से 93 पे जा रहा है, 58 से 117 पे जा रहा है। 46 में अगर किसी संख्या को गुणा करते हैं, 46 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 46 दूनी 92 होता है, और 92 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है। तो हम ये वाला लॉजिक लगा के देखते हैं। 46 में 2 से गुणा करते हैं, 46 दूनी कितना होगा 92, लेकिन यहाँ पे है 93, तो प्लस बंद कर देंगे तो हमें 93 मिल जाएगा। ठीक, सेम लॉजिक यहाँ लगा के देखते हैं। 58 में 2 से गुणा करते हैं, 58 में अगर हम 2 से गुणा करें तो 58 दूनी कितना हो जाएगा 116, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 117। 117 हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, जो लॉजिक लगाए वो सही है। तो अब क्या करेंगे, 38 के साथ में वही लॉजिक लगाते हैं। 38 में 200 गुणा करेंगे तो 38 दूनी कितना होता है 76, यहाँ वन जोड़ा यहाँ वन जोड़ा तो यहाँ भी वन जोड़ देंगे, 76 एक कितना हो जाएगा 77। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।